हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम यूज़फुल टिप्स। आज मैं आपको एक ऐसी डिश के बारे में बताऊंगी, जिसे आप सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम में आप बना सकते हैं, और साथ ही में इसमें तेल भी काफ़ी कम यूज़ होता है। इसे चाहे तो आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर शाम को एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए पोहा, 2 आलू, 1 कटोरी आटा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, हल्दी, धनिया, नमक और हींग। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल सम यूज़फुल टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के और भी यूज़फुल टिप्स मिलते रहेंगे। पहले हमें पोहे लेने हैं। अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए भिगा देते हैं। अब हम 2 आलू ले लेते हैं, इन्हें छील के कस लेंगे। ये मैंने आलू कस लिया है। अब मैं इसमें जो मैंने पोहा भिगाया था उसे मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसमें पोहा मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें छोटे बाउल से 1 बाउल आटा डाल देंगे। आटा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। इसे हम मिक्स कर लेंगे, जिससे जो आटा है वो आलू और पोहे को बाइंड कर लेगा। ये मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक ली हुई है, इसे भी मैं इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर देती हूँ। देखिए, इसे मैं डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें नमक, हल्दी और अगर आप लाल मिर्च और लेना चाहें तो आप हम इसे डाल सकते हैं। अब मैं इसमें हल्दी, धनिया और नमक भी मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, मैं इसमें हल्दी मिक्स कर रही हूँ, इसे अच्छे से फैला लेती हूँ। अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, इसे भी मैंने अच्छे से फैला लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब मैं नमक मिक्स कर ले रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिक्स कर लीजिएगा, जितना भी आपको नमक पसंद है आप डाल दीजिएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके हाथ से छोटे छोटे से बॉल जैसे बना लूँगी, कुछ इस तरीके से। ये बनाने के बाद अब मैं इसे हल्का सा हाथ से ही फ्लैट करके इसे रख लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं सबके बॉल जैसे बना लूँगी और इन्हें हाथ से फ्लैट भी करते रहूँगी। अब हमें गैस पे तवा गरम करने के लिए रख देना है। जब आपका तवा गरम हो जाए तब आपको इसमें ऑयलिंग कर लेनी है, आपको इसमें तेल लगा लेना है। आप नॉन स्टिक तवा भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें तेल लगा लिया है। मैं हल्का सा इसे फैला लेती हूँ। अब जो मैंने इसमें जो बना रखा है मिक्सचर, उसकी जो बॉल जैसी बना रखी है उसको इसमें रख के सेकना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। मैं इसमें और डाल देती हूँ और इन्हें सेक लेती हूँ। जब भी आप सेकें, मीडियम फ्लेम में ही सेकें इसको। ये देखिए, मैं बनाते जा रही हूँ और डालते जा रही हूँ। अब मेरी ये वाली सिक गई है, मैं इसे थोड़ा पलट लेती हूँ। ये देखिए, ये एक तरफ से सिक गई है।
ये मैंने पलट दी, ठीक है। ऐसे ही मैं सारी पलट लूँगी, ये मैंने सारी की सारी पलट दी है। अब हम इन्हें हल्का सा प्रेस करके सेक लेते हैं। ये अपोजिट साइड से भी सिक जाएगी, जिससे ये अपोजिट साइड से भी सिक जाएगी। अब ये हमारे दोनों साइड से सिक गए हैं, हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में सर्व करने के लिए रख लेते हैं। ये मैंने प्लेट में निकाल के रख लिए हैं। अब ये हमारे सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप चाहे तो इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इमली की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। पुदीने की चटनी और इमली की चटनी कैसे बनानी है, इसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप कोई चटनी नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की और भी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल सम यूज़फुल टिप्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी।